जय माता की मित्रों, आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि 17 तारीख को जो विश्वकर्मा जयंती पड़ रही है उस पे आप क्या ऐसा स्पेशल करें कि जिससे विश्वकर्मा भगवान प्रसन्न हो और उनकी कृपा आपको मिले और आपके जितने भी रुके कार्य हैं वो पूरे हो जाएं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, पहले तो ये जान लीजिए कि विश्वकर्मा भगवान है कौन। विश्वकर्मा भगवान देवताओं के इंजीनियर, देवताओं के आर्किटेक्ट और शिल्पकार कहे जाते हैं। इन्हीं के द्वारा जितने भी निर्माण कार्य हैं, चाहे वो मकान का हो, अलकापुरी हो, कुबेर की, या जितने भी विमान हैं, अस्त्र शस्त्र देवताओं के होते हैं, सब इन्हीं के द्वारा निर्माण होते हैं, ये बात आप जान लीजिए। सोने का काम करने वाले हमारे भाई हों, या बिल्डिंग का कार्य करने वाले हों, या मशीन कारखाने जिनके चलते हों, या मिस्त्री मजदूर कोई भी हो, जो भी औजार अस्त्र शस्त्र का निर्माण करते हैं किसी भी रूप में करते हैं, उन सबको, इंजीनियर आर्किटेक्ट, इन फील्ड से जुड़े हुए लोगों को विश्वकर्मा भगवान की पूजा जरूर करनी चाहिए और इससे उनकी कृपा मिलती है, कृपा मिलती है और उनको अपने कार्य में सफलता भी प्राप्त होती है। आपको क्या करना है कि विश्वकर्मा जयंती के दिन सुबह जब आप भगवान की पूजा करें स्नान करके, तो आप विश्वकर्मा भगवान के सामने, उनके चित्र के सामने जब भी आप पूजा करें, तो कच्चे दूध में हल्दी मिला करके, याद रखिएगा, कच्चे दूध में हल्दी मिला करके भगवान को चढ़ाइए। चढ़ाने के बाद आप जब आरती कर ले, उसके बाद उस कच्चे दूध को ले करके आप अपने कारखाने में जितने भी मशीन है, औजार हैं, जो भी है आपका, या इलेक्ट्रॉनिक सामान का है, गाड़ियों का है, कुछ भी है, तो आप उस पे जो है छींटे डाल लें। और अगर आपके छोटे से औजार हैं, जैसे कि जो हमारे और भाई लोग कार करते हैं जिनके छोटे छोटे औजार होते हैं, तो उनको वो धो भी सकते हैं, उससे आप उसे धो लीजिए और बाकी चीजों पे आप उसके छींटे डाल लें। ये कार्य करके देखिए तो आपके जो मशीन से जुड़े कार्य हैं उसमें गति आ जाएगी, गति मतलब स्पीड आ जाएगी और वो अच्छे से कार्य करने लगेंगे। एक ये है। दूसरा आपको क्या करना है कि एक वास्तु यंत्र लेना है, वास्तु यंत्र लीजिए। और वास्तु यंत्र को आपको कहाँ स्थापित करना है, आपको भगवान विश्वकर्मा के सामने उस वास्तु यंत्र को रखना है। वास्तु यंत्र का चमेली के तेल से अभिषेक कर लीजिए। किससे करना है, चमेली के तेल से। उस चमेली के तेल में लाल चंदन मिला के, चमेली के तेल में लाल चंदन मिलाएं, उससे वास्तु यंत्र का अभिषेक करें। अभिषेक करने के बाद उस यंत्र को धूप बत्ती दिखाएं, धूप बत्ती दिखा करके भगवान विश्वकर्मा से प्रार्थना कीजिए कि इसमें भगवान आप वास कीजिए, वास्तु देव के साथ आप इसमें वास कीजिए, ये प्रार्थना कीजिए। और करने के बाद उस वास्तु यंत्र को आप अपने घर, मकान, जो भी आपका स्थल है, आप वहां पे उसको स्थापित करा दीजिए। ठीक। तीसरा, अगर आपका कोई भी प्लॉट है या आपका कोई व्यवसायिक स्थल के लिए जमीन है और आप निर्माण कराना चाहते हैं, उस पर कंस्ट्रक्शन कराना चाहते हैं और कर नहीं पा रहे हैं, बहुत दिनों से प्लान किया लेकिन कोई ना कोई बाधा आ जाती है और आपका कार्य नहीं पूरा हो पाता, कभी कहिए कि मजदूर मिस्त्री भाग जाते हैं, कुछ भी हो जाता है, जिस किसी भी परिस्थितियों की वजह से उसमें बाधा आ रही है, आप नहीं कर पा रहे हैं और करते भी हैं तो उसमें अधूरा है, पूरा नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए आज मैं आपको एक विशेष उपाय बताने वाली हूँ। उसके लिए आप ध्यान से आप उसको सुन लीजिए। आपको क्या करना है कि भगवान विश्वकर्मा के सामने आपको एक कटोरी में 125 ग्राम सत अनाजा, सत अनाजा उसको कहते हैं जिसमें सात तरह के अनाज मिले हुए होते हैं, सत अनाजा ले लीजिए। और उसमें आपको आठ सुपारी रखनी है और आठों सुपारी पे आपको हल्दी लगानी है। हल्दी का टीका आठों सुपारी पे लगाइए, लगा करके भगवान विश्वकर्मा के सामने उसको रखना है और उनसे ये प्रार्थना आपको करनी है, हे भगवान विश्वकर्मा, आप इसमें विराजमान हो जाइए, इसमें आप विराजमान हो जाइए। और उसके बाद आप उसमें आठ पीले फूल भी चढ़ाएं, समझिए, आपको आठ पीले फूल चढ़ाने, चढ़ा करके जब आपकी पूजा संपन्न हो जाए तो जो भी आपका स्थल हो जहां पे आपको निर्माण कराना है वहां पे उसको ले जाइए और ले जा करके उसको वहां पे डाल दीजिए। हाँ, तो मित्रों, जब आप उसको प्लॉट पे डालेंगे, जब आप डालेंगे सतनाजा को और सुपारी और जितनी सामग्री है आठ फूल को, तो आप ये कहेंगे कि आओ विश्वकर्मा भगवान करो निर्माण, आपको ये कहना है और ये आठ बार कहना है, आठ बार कम से कम आपको ये कहना है। और कहने के बाद आप ये सामान वहां पे डाल सकते हैं। और अगर आपका कोई दुकान है या कारखाना है या कोई ऐसी चीज है जहां पे आपका निर्माण तो हो चुका है लेकिन आपके कार्य में गति नहीं आ रही, इन क्षेत्रों से रिलेटेड आपका कार्य है, मशीनरी से है, कह लीजिए कि कोई सामान बनता है, कुछ इस तरीके का प्रोडक्शन होता है या इन चीजों की सेल भी होती है, मार्केटिंग होती है आपके, तो आप क्या करिए कि वो जो कटोरी में जितना सामान था उसको आप पीले कपड़े में बांध के, याद रखिएगा, पीले कपड़े में बांध के उसकी पोटली बना लीजिए और पोटली को आप अपने
उस स्थल पे रख सकते हैं, आप अपने गल्ले पे रख सकते हैं या जहां पे आपका निर्माण होता है वहां मशीनरी के आसपास उसको लगा कर रख सकते हैं और रख दीजिए। और आपको वहां पे भी यही, वहां क्या कहना है आपको, आप वहां पे आपको कहना है आओ विश्वकर्मा भगवान करो कल्याण। याद रखिएगा आपको 8 बार वहां भी बोलना है और यही बोलना है आओ विश्वकर्मा भगवान करो कल्याण। अगर आप निर्माण कर रहे हैं तो आपको निर्माण बोलना है और नहीं तो आपको कहना है करो कल्याण, और ये कहते हुए आपको वहां पे ये स्थापित कर देना है। फिर आप ये उपाय निश्चित ही 17 तारीख को जब आप भगवान की पूजा करें विश्वकर्मा भगवान की, तो ये उपाय जरूर कीजिएगा और इस अवसर का पूरा लाभ उठाइए और करिए, देखिए आपको निश्चित ही फायदा मिलेगा, आप एक बार अजमा के देखिए। तो आज की बात यहीं पे, जय माता।